हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल बिट टेक इन्फो। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों के पास रेडमी नोट 7 प्रो या फिर रेडमी का कोई मॉडल है या एमआई का कोई मॉडल है जो अपने लोगों पे ब्लिंक कर रहा है, तो उसे जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं और या फिर जो है आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वो जो है सॉफ्टवेयर से है या फिर हार्डवेयर से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंकिंग की दिक्कत दोस्तों एमएमसी से भी आती है, सॉफ्टवेयर से भी आती है और बैटरी से भी आती है। अब मैंने ईएमएमसी क्यों बोला है जान लीजिए। सॉफ्टवेयर में नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो डाटा केबल से हम डालते हैं वो सॉफ्टवेयर, और ईएमएमसी में दोस्तों जब लाइफ टाइम कंज्यूम हो जाता है 90%, तब जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमें जो है पूरा फॉर्मेट करके इरेज करके उसे निकाल के ईएमएमसी को तब हम उसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं, तब ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व होती है। पर जो है सबसे पहली जो प्रॉब्लम ये होती है कि भाई पता कैसे करें कि ये जो दिक्कत है हमारी सॉफ्टवेयर से ही है। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैंने इसकी पुरानी बैटरी लगा रखी है तो इसमें जो है ब्लिंकिंग कर रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पुरानी बैटरी में जो है फास्ट बूट मोड ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखिए फास्ट बूट मोड इसका आ रहा है और देखिए यहाँ पर एक ध्यान दीजिए, ब्लिंक भी नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ से बहुत लोगों को लगेगा कि इसमें जो है बैटरी वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा है नहीं दोस्तों। इस फ़ोन में बैटरी की ही दिक्कत है, इस वजह से ब्लिंक कर रहा है। पर मैं आपको टेस्टिंग बता रहा हूँ कि आपको टेस्ट कैसे करना है। तो इस चीज़ को देख के धोखा मत खाइए कि बैटरी ठीक है इसलिए आपको बैटरी नहीं चेंज करनी चाहिए। तो फास्ट बूट मोड, अगर बैटरी ख़राब है, ब्लिंकिंग प्रॉब्लम है, तो फास्ट बूट मोड आता है और ब्लिंक भी नहीं करता है। और चलिए मैं दोबारा चेक कराता हूँ आपको। और अब मैं इसका रिकवरी मेन्यू खोलता हूँ। तो रिकवरी मेन्यू खोलता हूँ आपको। रिकवरी मेन्यू एक बार में खुल जाना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रिकवरी मेन्यू नहीं खुला है और अभी भी जो है ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आ रही है और ब्लिंक ही कर रहा है। तो ईएमएमसी वाले केस में, मतलब अगर आपका सॉफ्टवेयर की दिक्कत है और या फिर ईएमएमसी का 90% कंज्यूम वाला प्रॉब्लम है, तो उस केस में रिकवरी मेन्यू ओपन होता है। तो उसमें जो है आप डाटा जो है वाइप कर सकते हैं, डाटा जो है वाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप जो है ऑन करेंगे तो आपको जो है सेम दिक्कत नज़र आएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। क्योंकि 90% कंज्यूम वाले केस में आपको सॉफ्टवेयर भी कर देने पे या फिर डाटा वाइप भी कर देने पे आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें दूसरी बैटरी लगा रखी है नहीं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको लगा के कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। और जो हमारा ईएमएमसी की प्रॉब्लम है दोस्तों, उसमें हमें इसमें से बोर्ड में से ईएमएमसी निकालनी पड़ती है और उसके बाद जो है ईएमएमसी को यूएफआई बॉक्स या फिर जो है और भी बॉक्सेज आते हैं उससे उसको रिप्रोग्राम करना पड़ता है रीच करके पूरा। तो इस वाले केस में देखिए रिकवरी मेन्यू ओपन कर रहा हूँ, नई बैटरी लगा ली है मैंने जो कि बिल्कुल सही है और एक बार में जो आपका रिकवरी मेन्यू खुल गया है। तो ये जो है दोस्तों अब इसमें बैटरी सही है बिल्कुल, इसलिए जो है इसका रिकवरी मेन्यू एक बार में खुल गया है। तो आप जो है अगर आपकी बैटरी ख़राब है तो रिकवरी मेन्यू नहीं आता है, और अगर आपकी बैटरी सही है तो आपका फास्ट बूट भी खुलेगा और जो आपका जो है ये भी खुलेगा, रिकवरी मेन्यू भी खुलेगा। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो मैं आपको रिबूट करके पूरा जो है फ़ोन चेक करा देता हूँ कि ये फ़ोन इस बैटरी से ऑन हो रहा है, ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है। और दोस्तों ये जो प्रोसीजर है आप एमआई के किसी भी फ़ोन पे अपना सकते हैं, एमआई हो रेडमी हो, सब में जो है ऐसी सेम प्रॉब्लम आती है। तो आप देख सकते हैं पूरा फ़ोन ऑन है, फ़ोन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और ये 49% जो है चार्ज भी है बैटरी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों की आपकी प्रॉब्लम हेल्प। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये वीडियो हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।